Assalamu alaikum, welcome back to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further video. Aaj hum banane ja rahe hain homemade popcorns. ये बहुत मज़े के होते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी में आपके पास बहुत ढेर सारे बन जाते हैं. इसके लिए ये नॉन स्टिक मैंने पैन ले लिया था और इसमें मैं 8 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑयल के. फ्लेम मैंने रखा हुआ था इस टाइम स्लो, और स्लो फ्लेम पे आपने फिर ये देखें, अब चेक करेंगे कि ये ऑयल जब हमें इसमें से हीट फील होगी, ये देखें अब मैं चेक कर रही हूँ इस तरह से, जब आपको इसी तरह से हीट फील होगी कि अब हीट अप हो गया है, देन इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप कॉर्न्स का. ये देखें ये इस तरह से ये कॉर्न्स थे, अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी. ऐड करने के बाद इसको मैं फिर करूँगी मिक्स. फ्लेम को मैंने हाई नहीं रखा था, मीडियम नहीं रखा था, फ्लेम इस टाइम भी स्लो ही थी. 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है. इसके बाद मैं इसे करूँगी मिक्स. इसी तरह इसको आप चम्मच चलाते रहें. स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि जैसे ये पॉप अप होना स्टार्ट होगा तो देन आगे फिर मैं इसका बताती हूँ. ये देखें इस तरह से अब ये पॉप अप होने स्टार्ट हो गए थे, और इसके बाद जब 2-3 पॉप अप हो जाएंगे देन मैं लेट को कवर करूँगी और इसको रख दूँगी मीडियम हीट पर. फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था, और ये देखें इस तरह से अब ये पॉप अप होते होते और ये सारे ही इसी तरह से अच्छे से बन जाएंगे. यही सेम प्रोसीजर अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो डोंट बी वरीड. आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने लेना है प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर का ये ख्याल रखना है कि अंदर से उसका रबर आपने निकाल लेना है, और देन उसकी जो विसल है वो आपने हटा देनी है. सेम इसी तरह प्रोसीजर करेंगे. आपने प्रेशर कुकर में ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद आपने उसमें कॉर्न डाल देने हैं, देन आपने उसमें नमक ऐड कर देना है, और उसके बाद उसको मिक्स करना है. जब वो पॉपअप होगा तो आपने उसको इसी तरह से प्रेशर कुकर बंद कर देना है बग़ैर विसल के और बग़ैर रबर के. और जब उसमें से आवाज़ आना बंद हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आप सारे बन चुके हैं और आवाज़ नहीं आ रही, देन आप उसे खोलेंगे तो सेम यही सारा कुछ आएगा. आपके पास सही पॉपअप हुए हुए पॉपकॉर्न्स बनेंगे. ये देखें ये इस तरह से बहुत अच्छे बन रहे थे, बहुत मज़े के बने थे. ये माशाल्लाह से 1 कप में बहुत ज़्यादा बन चुके थे. ये देखें इसकी फाइनल लुक, ये देखें आप चेक करें इसको, बहुत बहुत टेस्टी थे. आप लोग लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे दीजिएगा अपना फीडबैक. लाजमी आप लाजमी इसे खा के लाइक करेंगे. एक तो ये है कि चीज़ हाइजीनिकली वे में बहुत अच्छी बन जाती है, सेफ़ होती है, और दूसरा ये है कि आपने ख़ुद बनाई होती है तो उस चीज़ की अलग खुशी होती है. तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब. So thanks for watching, keep smiling, stay blessed, Allah Hafiz, bye bye.